दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर राजकुमार राव की फिल्म ओमेटा बनकर तैयार है। ये फिल्म आतंकवाद के मुद्दे पर है। इसका पूरा नाम है ओमेटा और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। इस फिल्म की अभी तक रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इसे कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ओमेटा एक इटालियन शब्द है। ये एक कसम है जो अपराधी और माफिया आपस में लॉयल रहने के लिए खाते हैं कि कोई भी कभी एक दूसरे के अपराधों का सबूत पुलिस को नहीं देगा। अहमद ओमर सईद शेख की असल कहानी पर ओमेटा बनी है। ओमर ने 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल को पाकिस्तान में किडनैप करवाया और उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी साल अदालत ने ओमर को मौत की सजा सुनाई, लेकिन 15 साल बाद भी उसे फांसी नहीं दी जा सकी है और वो अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान मूल का ओमर लंदन में पैदा हुआ। उसका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन भी हुआ, लेकिन उसने ये पढ़ाई छोड़ दी। वहाँ से वो चरमपंथ के रास्ते निकल गया। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था और हरकत उल मुजाहिदीन के जिन 3 आतंकियों को भारतीय जेलों से छुड़वा लिया गया था, उनमें से एक ओमर भी था। बाद में सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विमानों के जो हमले हुए, उनमें भी ओमर का नाम आया। ओमर के बारे में कहा जाता है कि वो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसे ओसामा बिन लादेन और दूसरे इस्लामी आतंकी समूहों के अंदर तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियों ने यूज किया। पाकिस्तान की ISI से भी उसके संबंध बताए जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर में ओमर के डबल एजेंट होने का जिक्र किया है। डायरेक्टर हंसल मेहता को ये कहानी सबसे पहले एक्टर मुकुल देव ने 2005 में सुनाई थी। फिर 2007 में डायरेक्टर माइकल विंटरबॉटम की फिल्म अ माइटी हार्ट रिलीज हुई, जिसमें एंजेलिना जोली और इरफान खान ने भी काम किया था। जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या पर आधारित इस फिल्म को देखने के बाद हंसल ने मन पक्का कर लिया कि वो ओमर पर फिल्म बनाएंगे। मुकुल और उन्होंने मिलकर इसका स्क्रीन प्ले लिखा। 2013 में डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर राजकुमार की फिल्म शाहिद रिलीज हुई थी। ये फिल्म आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेल में ठूसे जाने वाले गरीब मुस्लिम लड़कों का केस लड़ने वाले वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित थी। हंसल शाहिद से पहले ओमर की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक उनके पास सोर्सेज नहीं थे। फिल्म शाहिद में ओमर का किरदार भी दिखता है, जो जेल में शाहिद को बुरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शाहिद सच्चाई और अहिंसा का रास्ता लेता है। ओमेटा में राजकुमार राव ने ओमर का रोल किया है। उनके अलावा इस फीचर ड्रामा में केवल अरोड़ा, राजेश तैलंग और रुपिंदर नागरा भी हैं। टिमोथी रायन हिकरनेल ने इसमें जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का रोल किया है। ओमेटा की एक शुरुआती फोटो नवंबर 2016 में हंसल ने शेयर की थी जब शूटिंग चल रही थी। इसमें ओमर का कैरेक्टर कमरे में बैठा नमाज अदा कर रहा है और पीछे दीवार पर 9/11 हाईजैक लिखा है। दीवार पर यह भी लिखा होता है कि एक अमेरिकी का किडनैप करना है और वो किडनैपिंग पत्रकार डैनियल पर्ल की होती है। राजकुमार का कहना है कि उनके निभाए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर्स में से एक है। फिल्म में एक सीन है जिसमें ओमर शेख को पुलिस रिमांड पर लेती है, उसे उल्टा लटका दिया जाता है, फिर ओमर के कैरेक्टर को पीटा जाना था। इसके लिए राजकुमार ने पुलिस का रोल कर रहे एक्टर से कहा कि उन्हें सच में बुरी तरह पीटा जाए। उनका कहना है कि वो चाहते थे सीन बिल्कुल असली लगे। हंसल को उनका ये तरीका पसंद नहीं था, पर वो राजी हो गए और सीन ऐसे ही फिल्माया गया। डायरेक्टर हंसल मेहता का कहना है कि इस फिल्म में ऐसे लोगों और संस्थानों पर सीधा निशाना साधा गया है जो इस तरह के चरमपंथ को पैदा करते हैं। इस फिल्म से एक डिबेट शुरू होगी, लोग बातें करेंगे और मौजूदा व्यवस्था में कुछ चेंज आएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल दी ललन टॉप सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। थैंक यू।